आज के स्टूडियो में फिर बताने वाला हूँ ओला की समस्या। ये मेरे भाई खड़े हैं और हम खड़े हैं ओला के शोरूम के अंदर, ठीक, और यहीं से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इनकी गाड़ी का नंबर है, ये खड़ी है इनकी गाड़ी, गाड़ी का नंबर बताओ भाई। UP 78 इधर देखिए, इधर देखिए, UP 78 HF 5179। अब बताइए क्या समस्या आ रही है। दो महीने में मेरे पास इतनी समस्या है, मैं 33 बार आ चुका हूँ। कितनी बार? 33 बार, ये 34वां बार रहा है। और यहाँ की सर्विस इतनी ख़राब है, पूरे कानपुर में एक आदमी सर्विस करने वाला बेचारा अभी परेशान रहता है। क्या समस्या आ रही है? समस्या सही क्या है ये पूछ लीजिए। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी ये वो इको मूड पे चली जाती है अपने आप। अपने आप। और अब बिस्मिले के बारे में भी बता रहे हैं। और गाड़ी खड़ी कर दो तो 50 की स्पीड बताती है अपने आप। अपने आप। अच्छा, और जब गाड़ी खड़ी रही स्पीड बताती है, और जब गाड़ी लॉक कर दो थोड़ी देर बाद अनलॉक भी हो जाती है। और अभी नहीं, आप कह रहे थे कि खड़ी कर दो तो बारिश में। बारिश में तो मीटर कहाँ भागता है, कटरीना कैफ से तेज भागता है। दिखाते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या बात सच है या गलत है। आओ बाओ साओ, देसी बात है। हाय गाइस, तो आइए दिखाते हैं इनकी बात सच है कि गलत है। आइए, बारिश हो रही है अभी, आप देख रहे हैं। और चलिए चलिए चलिए, ये ओला वाले हैं। हाँ, ओला वाले हैं। आइए आइए आइए। 2 महीने हो गए मुझे क्लेम मिल गया है, सामान आ गया, लगने का सिस्टम ही नहीं बन पा रहा। अच्छा, आदमी नहीं ना, ये देखिए। अच्छा, क्लेम ही नहीं मिल रहा, मतलब सर्विस से संतुष्ट नहीं है ये भाई हमारे। सर्विस से संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं क्लेम मिल गया है, सामान आ गया, पर यहाँ लगाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो आने वाले बहुत हैं, आप आएंगे नहीं होंगे। ये देखो, ये झूठे हैं, ये तो मजबूरी है इनके, तो खैर मजबूरी है भाई, शोरूम में ही काम करते हैं, ओला में ही काम करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, जितने व्यूवर्स हैं मेरे वो समझ सकते हैं कि जो बंदा काम करेगा वो बुराई बिल्कुल नहीं करेगा, अंदर से खुद समझ रहा होगा कि जो सामने कस्टमर है वो कितना पीड़ित है। उनकी मजबूरी है, उनको सैलरी मिल रही है, अगर वो सपोर्ट करेंगे हमारे वीडियो। ये देखिए ये वहाँ हैंडी कैब आदमी, वो इस तरीके से मुझे परेशान किया जाता। हम कैसे आते हैं 20 किलोमीटर सफर करके, ये हम जानते हैं। कहाँ रहते हैं आप? कोपरगंज। ये रहते हैं कोपरगंज में। तो यहाँ पर गाड़ी बेचने के लिए शहर में कई शोरूम बना दिए, पर सर्विस के लिए एक बनाया पनकी में। अब आप श्याम नगर में रह रहे हो, पनकी आओ। आप रामा देवी रह रहे हो, पनकी आओ। शहर के किसी कोने में रह रहे हो, पनकी में आपको आके सर्विस करानी पड़ेगी। टाइम होगा तो सर्विस होगी, टाइम नहीं होगा तो सर्विस नहीं होगी। आदमी बनाना पड़ेंगे इनके, आदमी नहीं है, स्टाफ ही नहीं है इनके पास, स्टाफ नहीं है और गाड़ी में समस्या ही समस्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और किसी एक बंदे को बचाइए इस गाड़ी को ख़रीदने से, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए फटाफट से, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इसके रिलेटेड, ओला के रिलेटेड। और भी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बाय बाय।